मैं बहुत दुख के साथ आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ, हमारे चाचा जो है केंतो ओरी अरुणाचल का गालो समाज का पहला आर्किटेक्ट है और वैसे इंसान हर कोई जानते हैं, वो बहुत ही अच्छा था और उसका अच्छाई के साथ व्यवहारिक अच्छा था, लफ्जों में अच्छा था उस और सोसाइटी में बहुत ही अच्छा था, सोसाइटी का उन्नति के लिए बहुत सोचता था और बच्चों को इतना संस्कार दे रखा था। तो उसका चला जाने का दुख हमको बहुत ही ज़्यादा है। मैं तो भगवान को, अपना दोनों पोलों को भी, जब से उसको आईसीयू में रखा तो मैं भगवान प्रार्थना करता था ऐसा इंसान को और एक बार चांस देना चाहिए, लेकिन भगवान की यही मर्जी था, मेरा बात को स्वीकारा नहीं। मैं बहुत दुख हूँ, ये गालो समाज के लिए बहुत बड़ा दुख है, बहुत नुकसान है और गालो के ऊपर हमारे अपना लोगों में, तूतम में, ओरी में बहुत दुख है। उनको बहुत कई लोग उनको बहुत प्यार करते थे, उन लोगों के लिए बहुत दुख का दिन है। थैंक यू, नमस्कार। पे दुखित खबर को शेयर कर रहा हूँ कि हमारा आशीष जो हमारा बड़े भैया है, बड़ा भैया हमारा गांव का युग काउम बस्ती का आर्किटेक्ट आशीष केंतो ओरी हमारे बीच में नहीं है। आज एक्सेल केयर हॉस्पिटल में सुबह 6:45 ऐसे को देहांत हो गया है। उनका हेल्थ लास्ट वन वीक से ज़्यादा हेल्थ बिगड़ रहे थे। वो एक COPD हम लोग बोलते हैं डॉक्टर लोग, चेस्ट में कुछ प्रॉब्लम था, चेस्ट इन्फेक्शन होके हार्ट में इफेक्ट होके ट्रिम्स में ICU में एडमिट किया था। तो यहाँ पे रिकवरी हो रहा था, वो जो रिकवरी हो रहा था तो हम लोग बहुत बार उसको इंट्यूबेशन में भी वेंटिलेटर में रखा है, फिर रिकवरी हो रहा है बोल के फिर एक्सट्यूबेट किया तो अच्छा से रिकवरी हो रहा था, लेकिन सडनली फिर उनको कोलैप्स हो गया। तो फिर यहाँ के डॉक्टर लोग का कहना है कि यहाँ पे नहीं हो पाएगा क्योंकि उसका हेल्थ जो डिटोरेट हो रहा है, तो इसलिए एक्सेल केयर हॉस्पिटल में रेफ़र किया गया था। तो एक्सेल केयर हॉस्पिटल पहुँच के उधर में भी वो बहुत पाइट किया है और पाइट करते करते कल ठीक ही था, कल सुबह तक ठीक ही था, लेकिन कल दिन को डिटोरेट होके रात को अचानक से डिटोरेट होके वो रिकवर नहीं कर सका और गुजर गया है। तो हम स्पेशली हमारे सिर्फ हमारा क्लान और फैमिली का तरफ से नहीं है, हमारे सारा गालो कम्युनिटी के लिए और हमारा स्टेट के लिए ये बहुत दुखद खबर है और हमारा स्टेट के लिए एक बड़ा लॉस है, क्योंकि वो
एक रिनाउन आर्किटेक्ट डिज़ाइन में माना जाता है हमारा अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट में भी, और हमारा यहाँ पे हमारा सोसाइटी वगैरह में भी जो जहाँ पे डिज़ाइन करना होता है, जैसे हमारा मोपिन सोलुंग ग्राउंड में जो बिल्डिंग है, या फिर हमारा गारो हेरिटेज सेंटर का मोपिन ग्राउंड में जो डिज़ाइन हो, या फिर जो भी हमारा जहाँ पे जितना बनता है हमारा सोसाइटी में जो जहाँ पे आर्किटेक्ट का ज़रूरत पड़ता है, उसमें हमारा भैया जो आके हम लोग को हमेशा हेल्प करते थे। और वो सिर्फ़ नहीं है, उनका अपना फील्ड में मदद करने का बावजूद भी फिर हमारा जो बाकी जो सोशल इवेंट है उसमें हमेशा वो मन से पार्टिसिपेट करते थे। और हमारा बीच में भी हमारा फैमिली में तो हम लोग यहाँ पे एवरी मंथ हम लोग गैदरिंग करते हैं, और उसमें भी हमेशा ही वो हंसते थे, हमेशा हमारा जूनियर्स को भी बहुत प्यार करते थे, और सीनियर लोग के साथ में भी बहुत मिलजुल कर रहते थे। और उनका वाइफ जो मैडम मीपू सोरा ओरी जो है मैम भी हमारा गालो वेलफेयर सोसाइटी का वुमेन विंग का प्रेसिडेंट रह चुका है, जिसमें आशी का भी बहुत कंट्रीब्यूशन है। आशी हमेशा मैडम को भी इनक्रेज करता है कि सोसाइटी में काम करने के लिए, और उनका बच्चा लोग को भी हमेशा बोलता है कि सोसाइटी के लिए कुछ करना है। तो उनका बेटा जो तोगम अभी रिसेंटली यहाँ पे ट्रिम्स में ग्रेजुएट हो चुका है, डॉक्टर है ट्रिम्स का, और बेटा और एक बेटा भी इंजीनियर है, इंजीनियर होके अभी जेई है। तो ऐसे करके बच्चा लोग एजुकेशन कंप्लीट हो गया है। और हमारा आशी का जो उनका ये जो अभी जस्ट हम लोग वेट कर रहे हैं घर में, और हमारा यहाँ पहुँचते ही फिर आलो ले जाएंगे। आलो में उनका अंतिम संस्कार जो आलो अपना जो युगिकाउम बस्ती है, आलो से अराउंड 25 किलोमीटर्स उधर में होंगे। और हम इसी दुखद समय में हम आशी को वही बोलेंगे कि आप जहाँ भी जाइए अच्छा से रहिए, जहाँ भी जाइए हम लोग को आशीर्वाद देते रहिए, और बच्चा लोग को हमेशा ऊपर से ब्लेस करते रहिए। और आशी नो अल्ब इन कोलाखा दोनपोल बदाग अल्ब दोनपोल बदालो इन एक लाखा ओक गुंडम सिन कागुर काम बतोलाका गुंडम ब्लेसिंग जी बतोलाका ओक युर्नगोनग कुर काप कोलो नो कुयग एक लाखा हम लांगो दोन पोलम कुमलग दांगना असनो अल्ब इन एक लाखा हम लांगो नारुग गुग ओरी गुमिन ओक गुग फैमिली पेले लोक गुनारुम नारुग कुमदिन ब कुमलग ला असनम दोन पोलम कुमलग ला नम अल्ब इन एक काम लांगो लेन ब मेन दांगना एकजा।